अब बड़ी खबर उस वक्त आपको बता दें, खजुराहो से जहां पर सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। बड़ा अपडेट उस वक्त आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन निरस्त हुआ है। खजुराहो से समाजवादी पार्टी ने मीरा को उम्मीदवार बनाया था और ऐसे में उनका नामांकन अब निरस्त हो गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त न्यूज स्टेट आपको बता रहा है, सपा प्रत्याशी मीरा का नामांकन निरस्त कर दिया है। खजुराहो से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हुआ है। मध्य प्रदेश में एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सिर्फ एक सीट पर समाजवादी पार्टी खजुराहो सीट से चुनाव लड़ रही थी और ऐसे में मीरा यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनका नामांकन अब निरस्त हो गया है। तो मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका, सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी मीरा यादव, उनका नामांकन निरस्त हो गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे मीरा यादव की, और समाजवादी पार्टी के टिकट से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी खजुराहो लोकसभा सीट से। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर कांग्रेस, तो एक सीट पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ है। मीरा यादव चुनाव लड़ रही थी, नामांकन कल दाखिल किया था इन्होंने, लेकिन आज उनका नामांकन निरस्त हो गया। सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हुआ है। खजुराहो से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी, चुनाव लड़ रही थी और ऐसे में इंडिया अलायंस को मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। खजुराहो से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था इन्होंने, लेकिन नामांकन इनका निरस्त हो गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हुआ है। नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला अधिकारी सुरेश कुमार ने निरस्त किया नामांकन। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ही अकेले रह गए हैं। समझौते के चलते कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी और ऐसे में नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने निरस्त किया है उनका नामांकन। हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश इस वक्त फोन लाइन पर हैं। गणेश, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो जाना कितना बड़ा झटका माना जाए इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि ये खजुराहो लोकसभा सीट का बड़ा राजनीतिक उठा पटक है, क्योंकि जिस प्रकार से जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने उनका नामांकन निरस्त किया है, अभी इस बात को जानकारी मीरा दीप नारायण यादव यानी कि दीप नारायण यादव उनके पति ने बाहर आकर दी है। उनकी कलेक्टर से मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान उनको यह बताया गया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि दीप नारायण यादव जी ने यह भी बताया कि हम खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएंगे, अभी हमारे और भी लोगों के प्रत्याशियों के और भी लोग हैं जिन्होंने नामांकन भरा था, उनमें से मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पन्ना कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और तुरंत अपने कार्यालय में चले गए। तो कुल मिला के कहा जाए कि जिस प्रकार से खजुराहो लोकसभा सीट से मीरा दीप नारायण यादव का नामांकन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, यह है मध्य प्रदेश में बड़ा राजनीतिक उठा फेर है, क्योंकि उनका नामांकन सिर्फ दो वजह से निरस्त किया गया है, उसमें उनके हस्ताक्षर और पुरानी जो सूची थी वो लगाई गई थी। तो कुल मिला के कहा जाए स्क्रूटनी का समय दिया जाता है, लेकिन मीरा दीप नारायण यादव का यह भी आरोप है प्रशासन के ऊपर कि उनको समय नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्हें जानकारी नहीं लग पाई और उनका बिना जानकारी के उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है जी। तो ऐसे में आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के पास विकल्प क्या है, क्या करेगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन तो कल था, निकल गया नामांकन का आखिरी दिन, आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने दीप नारायण यादव हैं जो मीरा यादव के पति हैं, उन्होंने बताया कि हम इस मामले को लेकर फिलहाल हाईकोर्ट जा रहे हैं और अभी भी हमारे और कुछ साथियों ने फॉर्म डाले थे, उनको हम गठबंधन के तौर पे उनके साथ उनमें से एक को किसी को चुनेंगे और चुनाव लड़ेंगे, रणपुर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विपिन दत्त शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह आरोप भी लगाया है भाजपा पर कि प्रशासन ने भाजपा के दबाव में आकर के यह कार्य किया है, हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया है। आशीष अग्रवाल जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आशीष अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। खजुराहो सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है, क्या एक तरफा जीत की बधाई दे सकता हूं आपको?
आशीष जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी सुन पा रहा हूँ सर, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आवाज आ रही है सर आपकी, सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रियाओं का विषय है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से पहले भी तैयार है, आज भी तैयार है। वैसे ये ठगबंधन है, इस ठगबंधन में किसने किसको ठगा ये आपस में तय करें, और पहले प्रत्याशी बदलते हैं फिर दूसरे निर्णय लेते हैं। जो अखिलेश जी ने कभी कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट कहा था और कमलनाथ जी ने अखिलेश, तो ये जो भावनाएं थी वो एक दूसरे के प्रति ठीक नहीं थी। तो आपस में तय करें कहाँ कमी रह गई। भाजपा अपनी बूथ शक्ति के साथ तैयार है, जैसा निर्देश होगा चुनाव आयोग का वैसा उसमें काम करें। बीजेपी अब किस तरह का मुकाबला खजुराहो सीट पर मानती है, क्योंकि देखिए अब मीरा यादव नहीं रहेंगी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। ये हमारा विषय है ही नहीं कौन है या नहीं, हम तो ये मुकाबला बीजेपी किस तरह का देखती है। ये मुकाबला तो देखिए पहले भी नहीं था, कांग्रेस पहले ही जानती थी कि यहाँ पे जमानत जब्त होती है होने वाली है, तो अपने गठबंधन में ही ठगने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही सीट दी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने ही ठगबंधन किया। तो ये तो आपस में तय करें, भाजपा तैयार है, हमारा बूथ का कार्यकर्ता मोदी जी की गारंटी और उस क्षेत्र में वो विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच चुका है, सभाएं भी चल रही हैं। ये तो अब विपक्ष को तय करना है कि उसको चुनाव लड़ना है या इस तरीके से एक एक करके बाहर होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष अग्रवाल आपका। हमारे साथ आशीष अग्रवाल थे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। गणेश विश्वकर्मा थे। गणेश आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।